तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टूपिड मास चैनल पे। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, ये होने वाला हेलन पार्ट टू। तो भाइयों, हेलन पार्ट वन तो बहुत ही अच्छा बना था और उस पर व्यूज़ भी लगभग यूट्यूब पे 150 प्लस व्यूज़ आ गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब पर इस पर 150 के अराउंड व्यूज हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं। और धन्यवाद मतलब इतना प्यार देने के लिए। तो ये पार्ट टू होने जा रहे हैं। तो अब की बार मेरे को विजय नाम के बंदे ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मतलब वैसे मैसेज तो बहुत सारे लोगों ने किया, 6-7 लोगों ने। तो भाई सॉरी, मतलब मैं उनके साथ खेल नहीं पाया, मैं खेलूँगा उन लोगों के साथ भी। तो यार भाइयों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि विजय भाई ने मेरे को ये मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर। सिंपल, आप लोगों को भी इसी तरीके से सेम तरीके से मैसेज करना है, बस इंस्टाग्राम पर मुझे जाके बस मैसेज करना है और मैं भी आपके साथ खेलूँगा और वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और भाई जिनके साथ अब तक मैंने नहीं खेला ना भाई, डोंट वरी, मैं खेलूँगा, सबके साथ खेलूँगा। तो भाई जैसे कि पार्ट टू होने जा रहा है, तो देखिए हमारे सामने विजय भाई है और मैंने फेक आईडी से कस्टम बनाया है, जिसमें अभी 2 कस्टम पड़े हैं, 3 कस्टम थे इसमें। तो भाई चलिए, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता हुआ और मैं इस राउंड में डिजिटी कर लूँगा। ओके, मैं डिजिटी कर लूँगा, और क्योंकि मैंने वॉइस ओवर किया था, मेरे को पहले से पता है भाई गेम में क्या होने वाला है। तो भाई चलिए, भाई कहाँ पे है सामने? अच्छा नहीं, जरा जरा दिख गया भाई, इधर पीछे से आ रहा है भाई, मुझे लगा यार सामने से आएगा। चलिए कोई बात नहीं, खैर डेस्टिकल का बटन टैप देने का प्रयास रहेगा। ओ भाई साहब, भाई पिछले राउंड में देखा क्या हुआ मेरे साथ, तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि सलमान खान के साथ। आप लोग खुद देख लीजिए यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, खुद देख लीजिए सलमान खान के साथ क्या हुआ। सलमान भाई सालों पहले प्रेग्नेंट हो गए थे। क्या बोला तूने? सलमान भाई सालों पहले प्रेग्नेंट हो गए थे। सर उनकी तो शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट कैसे हो गए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सलमान खान के साथ क्या हुआ, तो भाई उसको भी कुछ नहीं पता चले क्या हुआ। तो भाई वैसे तो इस बंदे ने पता नहीं मेरे को पिछले राउंड में किस तरीके से मारा, कुछ पता ही नहीं चला। अरे यार ये बंदा मेरे को वापस फेल गया यार। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बंदा मेरे को बहुत गंदा वाला पेल रहा है यार, 2-0 कर दिया बंदे ने यार, बहुत चालाक बंदा है, मेरे को मतलब मौका नहीं दे रहा, इसलिए मैंने अपनी बार M10 उठाई है और अपने वन टैप के साथ ही जाऊंगा। देखते अगर लगा तो सही है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं यार। खैर बंदे की मूवमेंट इसके तो बहुत तेज है यार, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि बंदा किधर किधर जा रहा है। भाई इसको अब की बार तो मारना ही मारना है, क्योंकि अगर अब की बार इसने लीड ले लिया तो 3-0 हो जाएगा और मुश्किल होगा फिर मेरे को मारना। मेरे भाई एक राउंड मार खा ले बस यार, क्या दिक्कत है तेरे को यार? देखो नूबड़ा है ना, नूबड़ा मैं नूबड़ा हूँ यार, चाहे कुछ भी बोलो। और यार बच गया, कसम से बच गया आपकी बार। भाई 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 भाई, अरे मेरा हाथ कांप रहे यार, ओ भाई मेरा हाथ कांप रहे यार सही में। अरे भाई ग्लू, अरे भाई ग्लू नहीं निकल रही, अब तो M10 भी लोड में आ गई। अरे ग्लू, अरे रिजल्ट यार मार दिया। गांड मिलेगी आपके पास? क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। तो यार भाइयों, बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है यार, एकदम 3-0 कर दिया, मेरे को चांस ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और मतलब मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है यार इसे मारने में, खासकर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है सच बताओ तो, पिछले 3 राउंड से। तो खैर मैं मारूंगा तो 1 टैप ही कुछ भी हो। ओ भाई साहब, तो भाइयों फाइनली मैंने भाई को एक राउंड मारा, 3-1 कर दिया, एकदम बड़ी मुश्किल से 3-1 किया यार कसम से। तो भाइयों भाई को पीछे से डैमेज पड़ा, भाई को पता भी नहीं चला कहाँ से डैमेज पड़ा है। अरे यार मैं इसको हेड मारा है यार, हेड मारा है यार, बहुत बढ़िया गिरना, बहुत बढ़िया, नाम रोशन कर दिया एकदम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो खैर देखते हैं भाई को, भाई यार मतलब मेरे जो है ना हाथ का ऑपरेशन भी बताओ तो। ओके एक और वन टैप भाई, 2-3 हो गया। तो यार आपके भाई ने 2 राउंड तो मार दिया यार सामने वाले बंदे को, खुशी हो रही है थोड़ी बहुत यार, बड़ी मुश्किल से मारा है कसम से, बहुत मुश्किल से मारा है। मैं अभी भी वन टैप ट्राई कर रहा हूँ पर साला लग नहीं रहा। अब भाई मेरी हेल्थ देखो यार, अब भाई साहब मेरी हेल्थ देखो यार,
भाई ये बंदा खा जाएगा मेरे को, भाई मेरे हाथ कांप रहे कसम से। अब कहाँ गया यार ये? ओके भाई ने मेरे को आसमान के तारे गिना दिए सारे के सारे। भाई 2-4 हो चुका है, तो 2-4 हो चुका है भाइयों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या उठाओ, बंदा हर गन से पील दे रहा है मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मारूंगा तो वन टैप ही, चाहे कुछ ही हो, लगे ना लगे, चाहे नहीं लग रहा हो। खैर भाई ओके, इसका हेलमेट टूट गया, बंदे का हेलमेट टूट गया है, बंदे का हेलमेट नहीं है, बंदे का हेलमेट टूट गया है। मरा नहीं यार, पता नहीं वो एक गोली का और रह गया है, मेरे हिसाब से 20 डैमेज भी नहीं होगा। ओके ख़त्म भाई, चलो 3-4 हुआ बड़ी मुश्किल से, कसम से बड़ी मुश्किल से 3-4 हुआ यार। आगे बढ़ते भाई साहब, इस राउंड और मार दूंगा ना तो फिर मैं मतलब बराबरी में आ जाऊँगा और थोड़ी इज्जत आ जाएगी भाई की यार। मतलब यार मतलब इतनी बुरी तरीके से कौन हारता यार। ओके बंदा पीछे जाने का प्रयास, जो एकदम छोटा हो चुका है, एकदम छोटा हो चुका है भाई को, डैमेज भी बहुत है मेरे से ज़्यादा है डैमेज। ओके एलिमिनेट भाई, 4-4 हो चुका है। और तो भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 4-4 हो चुका है और एकदम बराबरी का मुकाबला हो चुका है अब तो। तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहूँगा मैं। ओके भाई ने डैमेज दिया यार, बहुत सही वाला डैमेज दिया है। और यहाँ पे ओके ओ भाई साहब वापस वन टैप यार, भाई साहब 4th वन टैप इस मैच का। तो यार भाई और बहनों, आपका भाई एकदम आगे मतलब 5-4 हो चुका है और मैं उसे एक राउंड आगे हूँ। अरे भाई वो भाई बच गया यार, बंदे ने भाई साहब एकदम MP40 से बजा ही दिया था मेरे को। भाई मेरे को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले तो मैं हील करना चाहूँगा। खैर ओके इसको भी डैमेज है भाई, इसको भी बहुत सही डैमेज है यार। ग्लो लग जा यार, लग जा भाई यार, ग्लो नहीं लगती यार एक तो, पता नहीं क्या होगा, पिंग में से ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। यार बंदा आ रहा है भाई, छोड़ दे माफ़ कर दे यार, क्यों पीछे पड़ा है मेरा। मतलब बंदा कोई मौका दे ही नहीं रहा, सारा हील करने का मौका भी नहीं देना चाहता। खैर मैंने हील तो कर लिया, एक ही मेडिकल हील कर पाया हूँ, देख ले क्या मैं इसको मार पाऊँगा। और भाई यार वापस तारे गिना दिए मेरे को इसने तो। मित्रों 5-5 हो चुका है, 5-5 एकदम बराबरी पे चल रहा है। और भाई मैंने आपके बारे में ना UMP उठाई है, क्योंकि ये ना वन टैप तो गया भाड़ में भाई यार, वन टैप एक जगह और जीतना एक जगह यार। ओके भाई जीत गया भाई, आपका भाई जीत गया, 6-5 हो गया। तो यार भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले राउंड में क्या हुआ यार, भाई को उम्मीद नहीं थी कि ये एकदम मतलब बॉडी शूट मारेगा, इस भाई को उम्मीद थी कि ये तो वन टैप ही मारेगा, इसलिए भाई भी इमिटेट 7 लेके आया था। बट यार मैं तो एकदम देसी बॉडी शूटर यार, मेरे को यार जीतने से मतलब वन टैप गया भाड़ में भाई साहब। ओके भाई जीत गया यार, जीत गया आपका भाई, जीत गया फाइनली, जीत गया यार। अरे भाई यार आप लोग तो ये समझो आपका भाई हारा हुआ मैं जीत गया, ऑलमोस्ट 3-0 हो गया था स्टार्टिंग में, कहाँ से कहाँ ले आए भाई। तो यार आपके भाई ने एकदम बढ़िया खेला और भाई ने किए 6 किल, एकदम मजे आ गए। तो यार सिंपली भाई को मैसेज कर देते हैं, यार भाई गजब खेलते कुछ भी हो भाई, एकदम गजब खेलते हो यार आप, भाई आप गजब खेलते हो भाई, गजब नहीं है एकदम फाड़ू खेलता है बंदे ने, मेरी फाड़ के रख दी एकदम, ये बता रहा हालत ख़राब कर दी इस बंदे ने तो मेरी, मस्त खेलते हो भाई एकदम OP। तो यार फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने हेलन पार्ट 2 दिखा, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, और इसको इस पर भी सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए मुझे फॉलो करिए और डायरेक्ट मुझे मैसेज करना, पर्सनल मैसेज करना कि भाई हमारे साथ भी कस्टम खेलो, हमारे साथ भी कस्टम बनाओ, मैं आपके लिए कस्टम बनाऊंगा, सिंपल आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा और जैसे मैंने वीडियो अपलोड करी वैसे आप लोगों की भी वीडियो को अपलोड करूंगा। और हेलन पार्ट 3 जल्द ही आएगा। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बस भाई।